तो दोस्तों यहाँ पे सीएनजी की टाटा स्टार बस मार्को पोलो बस है, और जो यहाँ पे दिक्कत आई है इसमें, और जो यहाँ पे हमारे संदीप भैया हैं आपको बताइए, ग्रीन फ्यूल के ओनर, तो यहाँ आप भैया इसमें क्या दिक्कत आई है ज़रा ये बताओ। ये भैया जब से आई है नई गाड़ी उसके बाद से ये था कि ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, 2 किलोमीटर चली उसके बाद बंद हो गई थी। तो पहले तो इसे कल से ये लोग परेशान थे, इसे टो करके पंप पे लेके आए हैं क्योंकि कंपनी वालों एजेंसी वालों ने कहा था गैस डलवाओ इसमें, बट गैस पहले से थी। हमारे फोरमैन जो है दीपक उसको रिपेयर किया है। जो अपने फोरमैन साहब कहाँ पर हैं? ये लगे हुए हैं अपने फोरमैन साहब दीपक। तो दीपक भाई इसमें क्या दिक्कत आ रही है कुछ बताओगे दीपक भाई? ये बस स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही सीएनजी से है। ये देख सकते हैं नीचे घुस घुस के करना का काम पड़ता है इन्हें जब बस में आता है कोई फॉल्ट, सीएनजी वाली बस में। और फ्रंट से देखें तो इसमें शायद लिखा भी पड़ा है, देख सकते हैं ये गैस अलार्म, शायद ये पहले से ही लिखा हुआ है गैस अलार्म, तब भी शायद ये रोड पे आ गई है बस। सीएनजी है, सीएनजी का इसमें लोगो भी लगा है, एकदम ब्रांड न्यू बस है। तो ये जो है अपने फोरमैन साहब ने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और ये बस देख सकते हैं एकदम नई है, नई कंडीशन। आओ चले संदीप भैया अंदर देखते हैं, मतलब ये टाटा स्टार बस, मतलब आप ये देख सकते हैं पन्नी भी नहीं उतर रही है गाड़ी, अंदर से देखो, ये अंदर से आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू गाड़ी है, न्यू गाड़ी है। और इसमें ये लाइट आ रही है देखो भैया, मतलब फॉल्ट है इसमें, फॉल्ट है, बट ये है कि इसे हमारे फोरमैन ने बिल्कुल चालू हालत में कर दिया है। अच्छा, मतलब अपने गाड़ी ये एजेंसी से आई है, आते ही सिर्फ 2 किलोमीटर चली है। अच्छा, उसके बाद से 2 दिन से बंद पड़ी थी, फिर इसे खींच के टो करके लाए क्योंकि जो टाटा के इनके इंजीनियर आए थे उन्होंने कहा कि ये गैस कम है, गैस डलवाई है तब भी स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा, अब दीपक ने इसमें, इसीलिए ये है कि जो परफेक्ट टेक्नीशियन होता है वो सब काम कर लेता है चाहे कंपनी फिटर हो या कोई भी। हाँ, आपने देखा होगा ये नीचे अपने फोरमैन साहब लगे हैं, अभी मैं उस साइड से आपको दिखाऊंगा। तो चलो संदीप भैया उस तरफ चलते हैं, बस देख सकते हैं काफी अच्छी खासी नहीं है एकदम, देखिए नंबर तक नहीं है इसमें, अभी नंबर भी नहीं आया है। टाटा की मार्को पोलो बस है सीएनजी में, और अपना सीएनजी का भी काफी काम जल्दी स्टार्ट होगा बस में भी सीएनजी लगाने का। ये देखिए अपने दीपक भाई यहाँ पे लगे पड़े हैं, ये देख सकते हैं बार बार स्टार्ट करी जा रही है यहाँ बस, एक्सीलेटर दिया जा रहा है यहाँ पे, और ये अपने नीचे फोरमैन साहब लगे हुए हैं दीपक नागर। और ये बस जा रही भैया अपने फोरमैन साहब ने इसकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दी, वो सॉर्ट आउट कर दी है। हाँ। ये टाटा की स्टार बस थी ये मार्को पोलो, ये देख सकते हैं मतलब सीटों का कवर भी तक नहीं उतरा, मतलब जो पॉलिथीन आती है पहले से ही कंपनी फिटेड वो तक नहीं उतरी है, तो इसका जो है सॉर्ट आउट कर दिया है जो भी प्रॉब्लम आ रही थी सीएनजी से रिगार्डिंग, और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है ग्रीन फ्यूल्स रुद्रपुर सीएनजी। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें।